हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बच्चों डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा था। आज हम लोग उसके कुछ न्यूमेरिकल्स लगाते हैं और देखते हैं फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल लगाना। पहला क्वेश्चन लिखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है बच्चों, एक कंटेनर है जिसमें हमने 48 ग्राम मीथेन ली, नॉन रिएक्टिंग गैस लेनी है हमको, और 16 ग्राम हमने HCl लिया है। ठीक, 48 ग्राम मीथेन और 16 ग्राम HCl लिया है हम लोग। बच्चों HCl नहीं लेते, हीलियम लेते हैं क्योंकि नॉन रिएक्टिंग लेनी है। यहाँ सपोज करके हम ये चल रहे हैं कि जो भी गैस ले रहे हैं वो नॉन रिएक्टिंग है। वॉल्यूम हमने उसका 2 लीटर लिया है। ठीक है, हमको दिया गया है और टेम्परेचर हमको बच्चों 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन दिया गया है कि एक कंटेनर में दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, एक है मीथेन और एक हीलियम। मीथेन का 48 ग्राम लिया गया है, हीलियम का 16 ग्राम लिया है। वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम 2 लीटर है इस कंटेनर में जो है, और टेम्परेचर जो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस। फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। ये पहली चीज पूछी गई है, मोल फ्रैक्शन। दूसरा पूछा है इन्होंने पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। ये दो चीजें पूछी गई है। पहला पूछा गया है कि मोल फ्रैक्शन, दूसरा पूछा गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, तीसरी चीज पूछी गई है टोटल प्रेशर ऑफ ईच गैस। टोटल प्रेशर, दोनों गैस को जब निकालेंगे टोटल प्रेशर, तो ये तीन चीजें हमें पता करनी है। डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है, ये तीन चीजें हमें निकालनी है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस निकालते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन, मोल फ्रैक्शन का साइन होता है जाई, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन निकालें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, मतलब NCH4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, यही तो करना पड़ेगा हमको। तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। एन निकालने के लिए क्या करते हैं, ये देख लीजिए, ये आपको पता है। एन निकालने के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास करते हैं। तो अगर हम CH4 का निकाल रहे हैं तो गिवन मास कितना दिया गया, 48 ग्राम। और इसका मॉलिकुलर मास कितना होगा मीथेन का, मीथेन का मॉलिकुलर मास होगा कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1 × 4 हो गया, तो ये 16 हो गया। ठीक, यहाँ 16 से डिवाइड किया 4 आ गया। ठीक, हीलियम का मोलर मास निकाले तो गिवन मास हीलियम का 16 ग्राम दिया गया है, यहाँ 16 लिख लिया। और मॉलिकुलर मास हीलियम का कितना होता है, आपको पता है कि हीलियम का 4 होता है। हीलियम का कितना होता है, 4 होता है, 2 होता है ना वो हीलियम का, तो बस निकाल लीजिए। सॉरी, 16 दिया हुआ है ना, हाँ 4 × 16 = 48, 16 × 3 = 4 और यहाँ 4 होता है, 4 × 16 निकाल लिया।
NCH4 की वैल्यू, NHE की वैल्यू आपने निकाल ली, तो C यहां पे रख दीजिए। CH4 की वैल्यू है 3/3+4, 3/7 आ गया। हीलियम मीथेन का आ गया, वैसे हीलियम का निकाल लीजिए। हीलियम का कैसे निकालेंगे, NHe/NCH4। तो हीलियम का कितना है बच्चों, 4/4+3, 4/7। ये आ गया आपका। तो उन्होंने कहा था फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, ईच गैसेस। तो ये मोल फ्रैक्शन तो आपने निकाल लिए, ये पहली चीज हो गई। अब दूसरी चीज पूछिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। तो पार्शियल प्रेशर के लिए हम लोग को बच्चों फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पार्शियल प्रेशर हम लोग कैसे निकालते हैं, पी टोटल बराबर पीटी बराबर पीटीवी बराबर N1+N2RT, ऐसे तो निकालते हैं। तो यहां पर जो पी टोटल है वो तो हमको पता नहीं, वॉल्यूम हमको दिया गया है 2 लीटर, तो इनटू 2 लग दिया हमने। N1 N2 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 3/7+4/7। R की वैल्यू हमको पता होती है लेकिन हम यहाँ रख नहीं रहे हैं, या रख भी दे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 0.0821 होती है और टेम्परेचर आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। इसको आप केल्विन में चेंज करेंगे तो 27+273 इज इक्वल टू 300 केल्विन, ठीक है। तो ये 300, अब इसको आप सॉल्व कर लें तो पी टोटल आपका आ जाएगा। जब आप पी टोटल निकाल लेंगे, इसको सॉल्व करने से आपकी पी टोटल की वैल्यू आ गई, जो भी सॉल्व करने पर आए गुणा भाग आप कर लेंगे। जब पी टोटल की वैल्यू आ जाएगी तो अब आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो आप पार्शियल प्रेशर भी निकाल सकते हैं। इसको बिगाड़ देती हूँ मैं, ये तो आप निकाल ही चुके हैं। तो पार्शियल प्रेशर के लिए क्या फॉर्मूला होगा, P1 इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला रहेगा, P अगर CH4 का निकालना है तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है P टोटल इंटू ज़ाई1, है ना, ज़ाई1 क्या, ज़ाई CH4। तो पी टोटल निकालेंगे और ये भी निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे, पी हीलियम बराबर पी टोटल इंटू ज़ाई। तो इससे आप पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे, इस वैल्यू को सॉल्व करके आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया आपको किस प्रकार से आपको निकालना है, ये आपने पहली चीज निकाली, ये आपने दूसरी चीज निकाली, इसको निकालने के बाद ये आप यहां से आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी इन दोनों की, और यहां से आपको पी टोटल की वैल्यू मिल जाएगी, तो इसको पुट अप कर देंगे तो इनकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करें, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए एक और कर लेते हैं तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। इक्वल मासेस ऑफ हीलियम एंड, क्वेश्चन में कह रहा है इक्वल मासेस ऑफ हीलियम एंड मीथेन, हीलियम एंड मीथेन, इक्वल मासेस ऑफ हीलियम एंड मीथेन आर मिक्स्ड इन ए, आर मिक्स्ड इन ए, आर मिक्स्ड इन ए कंटेनर, दोनों को एक डाल देंगे, नॉन रिएक्टिंग है, मिक्स नहीं होंगे,
फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैलियम. फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय हीलियम. एग्जर्टेड बाय हीलियम. ठीक. तो अब यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, और हीलियम और मीथेन जो दिया है उनका मास दिया हुआ है. मास ऑफ हीलियम है 16 और मीथेन का दिया हुआ है आपको, मीथेन का दिया हुआ है आपको कंटेनर. इक्वल मास है तो अपने मन से मान ले रहे हैं हीलियम का 16 है, क्योंकि इक्वल मास है तो इसका भी 16 होगा, क्योंकि मास की कोई वैल्यू नहीं थी. इक्वल मास है, अगर हम एक्स मानते तो इसको भी एक्स मानते, तो हमने क्वांटिटी में ही 16 16 बराबर मान लिया. 32 32 लेते तो दोनों को 32 लेते, ठीक है, क्योंकि इक्वल मासेज इन्होंने दे दिया है तो हमने इक्वल ही लिया, दोनों को 16 16 ले लिया. सॉल्व करने में थोड़ा आसान रहेगा, क्योंकि इन्होंने इक्वल मास दिया है इसलिए हमने ये वैल्यू ली है. चलिए अब नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, हीलियम की अगर हम निकाले नंबर ऑफ मोल्स तो गिवन मास कितना है, सॉरी गिवन मास दिया हुआ है, गिवन मास अपॉन मोलर मास. ठीक है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, आपको याद हो जाना चाहिए. ये 16 ग्राम हुआ है और मोलर मास कितना होता है, 4, तो ये 4 होगा. अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अगर मीथेन निकाले तो यहाँ पे भी यही होगा, गिवन मास कितना दिया गया है 16 और मीथेन का होता भी 16 है, तो ये 1 आ जाएगा. अभी मैंने पिछले न्यूमेरिकल में आपको दिखाया भी था 16 कैसे आता है, तो ये 1 आ गया. ठीक, अब हमें क्या करना है, दोनों के आगे प्रेशर ऑफ हीलियम कितना एक्सर्शन टोटल प्रेशर से हो रहा है हमको ये निकालना है. तो हम कैसे निकालेंगे, अपॉन पी टोटल इज इक्वल टू जाय हीलियम. ठीक, तो इसको सॉल्व कर लीजिए. जाय की वैल्यू कैसे आएगी, 4, हीलियम का निकालना है तो 4 अपॉन 4 प्लस 1, क्योंकि जाय बराबर क्या होता है हीलियम का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन. तो इस फॉर्मूले पे रख के हमने ये वैल्यू निकाल ली. ठीक, अब जब फ्रैक्शन में निकालना है पी टोटल के उसमें, तो इसको सॉल्व कर लीजिए. 4/5 इज इक्वल टू पॉइंट लगाएंगे 0.8, तो कितना होगा, कितना फ्रैक्शन हीलियम का रहेगा पी टोटल में, 0.8. तो अगर हम पी टोटल में फ्रैक्शन हीलियम का देखें तो 0.8 आ रहा है. क्लियर हो गया. एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं हम लोग. इक्वल मासेस ऑफ मीथेन, यहां पे फिर इक्वल ले लिया है तो हम अपने मन से मान लेंगे मीथेन हीलियम एंड ऑक्सीजन. अब क्योंकि इन्होंने फिर यहां मान लिया है इक्वल मासेस, तो हम क्वांटिटी या तो एक्स से माने या हम मान ही लें कि इक्वल क्या होगा, एंड ऑक्सीजन आर मिक्स इन ए कंटेनर. इनको एक कंटेनर में हमने मिक्स कर लिया है,
फाइंड द टोटल प्रेशर फाइंड द टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैसेस. मतलब इन्होंने पी टोटल पूछा है आपसे, ये पी टी पूछ लिया, अब टोटल प्रेशर पूछ लिया है. ठीक, तो आप ये देख लीजिए, अगर एक कंटेनर में इन्होंने कहा इक्वल मास लिए हैं हमने हीलियम के, मीथेन के और ऑक्सीजन के, तो हम तीनों का एक कोई क्वांटिटी मान ले, इक्वल मास मान ले अगर, कि कितने लिए होंगे, हम सबका मान लेते हैं 32 लिया हमने. ठीक, इसका मोलर मास 4, इसका मोलर मास 16, इसका मोलर मास 32. ठीक, तो इससे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे ना हमारे, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, ये नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं, क्योंकि ये हमने इक्वल मास और गिवन मास ले लिया है, ऊपर गिवन मास और अपॉन मोलर मास. ठीक, क्योंकि अब डायरेक्टली लिया है तो ये हमें एन की वैल्यू आ रही है, 8:2:1. तो ये पूछ रहे हैं टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय हीलियम, बाय द गैसेस नहीं, बाय द हीलियम, बाय द हीलियम, हीलियम कितना गैस में एग्जर्शन करेगा, ये मास गिवन है और ये मोलर मास है, तो हमें परसेंटेज में क्योंकि निकालना है, और हम अगर इनको सॉल्व करें 8, 9, 10, 11 होता है, 8/11 × 100, 2/11 × 100 और यह है 1/11 × 100. ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और सॉल्व करने पर हीलियम का जो भी आएगा रेशो आप निकाल लेंगे और आंसर आपका आ जाएगा. ठीक, इसको सॉल्व करना आपको पता ही है कैसे सॉल्व करना है, तो प्रेशर हीलियम के द्वारा कितना लग रहा है फॉर्मूले में रखिएगा, पी टोटल क्योंकि दिया हुआ है, पी टोटल तो आप यहां से निकाल ही लेंगे, जब पी टोटल निकालेंगे तो पी हीलियम अपॉन पी टोटल इज इक्वल टू जाई और हीलियम का निकाल लीजिएगा, तो उसी से ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो जाएगी. तो किस प्रकार से क्वेश्चन आपके उसमें आ सकते हैं बच्चों, ये आपको अब क्लियर हो गया है, बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं आता है. नेक्स्ट टाइम पे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. तो घर में रहिए बच्चों, स्वस्थ रहिए, हैव अ नाइस डे.